डे आवर टॉपिक इज वैन एंड मैन वैन वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया लैन पीछे हमने पढ़ा वो एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो नेटवर्क अस्टेब्लिश करती है वैन में जो है वो लार्ज एरिया जो है वो कवर होता है ये सिटीज और कंट्रीज के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है वैन यूजली कॉन्सिस्ट ऑफ़ सेवरल लैंस कनेक्टेड टुगेदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ हमारा लैन इस्टैब्लिश है उसको अगर हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ और सिटीज़ के अंदर मिलाना चाहेंगे तो हम वैन को इस्तेमाल करेंगे द कंप्यूटर्स इन वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन नॉर्मली हम इसको टेलीफोन लाइन्स के थ्रू जो है वह इसका कनेक्शन इस्टबलिश करते हैं लेकिन इसके अलावा लीज्ड लाइन और सेटलाइट्स भी जो हैं वो इसकी कनेक्शन के लिए यूज हो सकते हैं The transmission rate of WAN is typically from 56 kilobits per second to 50 megabits per second. वैन इज़ एक्सपेंसिव दैन लैंड महंगा ये लैन से ज़्यादा है और इसकी स्पीड भी लैन की नस्बत स्लो होती है क्योंकि लैन एक बिल्डिंग के अंदर होता है एरिया कम होता है तो इसलिए स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन वैन की स्पीड एज कम्पेयर टू लैन जो है वो कम होती है द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड द मेन फ्रेम एंड मीनिंग कंप्यूटर यूजड इन वैन आर डिज़ाइन टू बी एक्सेस बाई टर्मिनल्स टर्मिनल क्या होता है पर्सनल कंप्यूटर मस्ट अपियर एज अ टर्मिनल टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर्स इन मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आप दुनिया में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो एक टर्मिनल के तौर पर जो है वो काम करता है टर्मिनल एमुलेन सॉफ्टवेयर इज यूज टू अलाउ अ पर्सनल कंप्यूटर टू अपीयर अ टर्मिनल टर्मिनल आप एक सिंगल पीसी समझ लें उसके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से वो मुख्तलिफ़ वैन के साथ जो है वो कनेक्टिविटी हो सकती है इन दिस वे द पर्सनल कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट टू लार्जर कंप्यूटर्स नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम आप देख रहे हैं कंट्री के मुख्तु हिस्सों में जो है वो कंप्यूटर्स आपस में वैन के थ्रू जो है वो कनेक्ट हैं द लार्जर कंप्यूटर इज़ नोन एज होस्ट कंप्यूटर यानी जो मेन कंप्यूटर है उसको हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं और जो हमारा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर जो है वो वहाँ से उस वो होस्ट कंप्यूटर पर डाटा डाल भी, भी सकता है और वहाँ से डाटा ले भी सकता है अ पर्सनल कंप्यूटर अटैच टू द होस्ट कंप्यूटर कैन बी अपलोड एंड डाउनलोड डाटा अपलोड का मतलब हमें मेन होस्ट कंप्यूटर पर डाटा को डाल और डाउनलोड का मतलब उस मेन कंप्यूटर से डाटा अपने सिस्टम में लाना द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज नोन एज अपलोडिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर यानी जो मेन कंप्यूटर जिसके ऊपर सारा डाटा जो है वो पड़ा वहां से हम अपने कंप्यूटर पर जब लेके आते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड डाटा एग्जाम्पल हैं ए टी एम बैंक की हो गई नादरा ऑफिस का हो गया मुख्तलिफ सिटीज में हो गया उसके अलावा मिलियन ऑफ यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट ये सारी के सारी एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास वैन की नेक्स्ट है हमारे पास मैन मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ ए सिटी एक सिटी के अंदर अगर आपकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं अगर लेट सपोज आपका बैंक है अलाइड बैंक है सपोज़ तो सिटी के अंदर उसकी मुख्तलिफ़ ब्रांचेज है वो ब्रांचेज अगर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहती हैं तो वो मैन के थ्रू कर सकती हैं मैन इज लार्जर दैन लैन बट स्मॉलर दैन यानी कि बिटवीन हो गया सबसे छोटा लैन हो गया उसके बाद मैन हो गया क्योंकि वह एक सिटी के अंदर जो है वो रहा करता है उसके बाद वैन हो गया क्योंकि वैन कंट्री or continents. के दरमियान जो है वो राबे का बायस होता है इट इज़ यूज यूजली यूज टू कनेक्ट टू आर मोर लैंड इन अ सिटी एक सिटी के अंदर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गई ब्रांचेज ऑफ ए कंपनी इन सेम सिटी जैसे मैंने अभी मिसाल बताई कि एक बैंक की ब्रांच है एक सिटी में बहुत सारी ब्रांचेज होते हैं उनका आपस में कनेक्शन हो गया कैंपस ऑफ कॉलेज इन न सिटी यानी एक कॉलेज के बहुत सारे कैम्पस हैं एक सिटी के वो आपस में एक दूसरे के साथ रबता चाह रहे हैं या केबल टी वी नेटवर्क जो है एडवाटेजेस क्या है मैन कवर्स लार्जर ए देन वैन इट इज हायर डाटा स्पीड लैन से इसकी स्पीड जो है वह ज्यादा होती है डिसडवासिव हो जाएगा और डिफिकल्ट टू मेंटेन होगा लैन की नस्बत नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंसेस लैन और वैन के लैन पूरा आर्टिकल हमने बेटा पढ़ लिया कि इसमें स्पीड जो है वो तेज़ होती है लेस्ट कॉस्टली है वायर भी कम लगती है और डेटा की शेयरिंग ये ज़्यादातर रिसोर्स शेयरिंग प्रिंटर मोडेम इस किस्म की शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है वैन का मेन मेन मकसद ये ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है इसकी स्पीड जो है वो लैन की नस्बत कम होती है लेकिन ये महंगा होता है ये टेलीफोन लाइन की नस्बत जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है इसके थ्रू चूँकि ये इंटरनेट इसका मेन जो है वो ये इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल होता है ईमेल फाइल्स वगैरह की ट्रांसफ़र के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो डाटा शेयरिंग के लिए वैन को इस्तेमाल करते हैं शुक्रिया